हेलो जी, गुड इवनिंग। और आज पूरे दिन में बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा, व्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं। और अभी देखिए, हम कर रहे हैं सीधा गोवर्धन पूजा। तो देखिए, मम्मी जी ने गोवर्धन महाराज जी बनाई थी, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारे गोवर्धन जी, ये देखो गाय बाछा भी बना रखे हैं, ग्वाले हुए हैं, ग्वाल बाल सारे हैं। ये देखो गाय, ये देखो ये ग्वाल बाल हैं, साथिया भी बना रखा है। और ये देखे कन्हैया कैसे गोवर्धन जी को हाथ में लिए खड़े हुए हैं। और यह देखो थारी बेटी, आज तो ये बिल्ली माऊ बन गई। यीशु क्या बना दिया ये? यीशु कौन है? गोवर्धन जी हैं, गोवर्धन जी हैं, हाँ कैसे, किचन जी कान्हा जी हैं। कान्हा जी हैं, ये गाय, ये बाछा, गाय बाछा है। ये गाय नहीं, सही बन रहे थे छोटे से बाछा, वे गाय है ना, आपको बहुत सही पड़ रहा गाय को। और के हालत कर रही है ना, गाय बढ़ गई, गाय भी एक नीचे आ गई, पर्वत के नीचे ही ग्वाल बाल भी आ गया, और लक्ष्मी को क्या। जोर लगा रखो है। तो चलिए हम सब मिलके पूजा करते हैं। आप लोग भी देखिए हम कैसे पूजा करते हैं। बस नॉर्मली, हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो पता है ना उस हिसाब से कर लेते हैं। इतना ध्यान नहीं है भाई, इतना तजुर्बेदार नहीं है। मेरे पड़ सास होती है, उनको पता था, मेरी दादी, जो दादी सास थी ना, उन्हें पता था, वो रहे नहीं। अब उनके बाद मम्मी को पता है, जो भी है। मुझे तो, मैं तो बिल्कुल भैंस का बाबा, मुझे तो कुछ नहीं पता। धीरे सीख हो गया। अब धीरे धीरे दीर देख के पता चलेगा ना क्या क्या करते हैं। चले देखते हैं। ये क्या है? माँ से लेना बेटा, माँ के पास। आ जाओ पहले पूजा कर लो। ये देखो बाबा पूजा कर रहे हैं। तो एक छोटा सा खेल हम गया था, पता मैं बस बदन दियो हमें गिर गया। मैं नहीं काट दे, मैं नहीं काट दे, इसको काट दे, इसको काट दे, इसको काट दे, इसको चाचा का मुंह करो, चाचा का मुंह करो, मामू की सब अच्छा भूल गया। हां ना पापा की जरा मम्मी ने बोल दी, ये भगवान जी लगाए नहीं इसने। अच्छा बेटा मम्मा पिलाएंगे भगवान जी को। गोल्डन बाबो तू बड़ो तो से बड़ो न कोई, बन करके राम बड़ो खाने
सॉरी सॉरी बोल दो जय हो दीदी अच्छे जय हो तुम भी आओ तुम भी आओ ताने भी देगी मम्मा को भी देगी आशीर्वाद माँ को भी देगी आशीर्वाद जय अच्छा जय बस जितने नॉलेज ज्ञान उतना कर दे तो जी दही बड़े किस किस को पसंद हैं और मैं इनके लिए लाई हूँ फिलहाल 10 दही बड़े क्या दो पापा को दो जी इसको खिलाना ठीक है थैंक यू हम दोनों खाएंगे हाँ इसने सॉक्स फिर उतार दिए ना ऊपर ऊपर बैठो ऊपर कैसे बने खा के बताओ हेलो जी तो हमारी पूजा हो चुकी है बस अभी गोवर्धन जी को पूजा है आपके सामने हमने और इसके बाद में मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि ये मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए थे तो मतलब हमारे ये ना तोहफा दिया ही जाता है मतलब कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं ना धनतेरस के दिन तो मैं हर साल इनसे ये बिछिया मंगवाती हूँ आप देखिए काफ़ी भारी हैं ये कैसे दिखाऊँ समझ नहीं आ रहा ये देखिए पास से दिखाती हूँ थोड़ा ठीक है मेरे पैर काफ़ी मतलब पैरों की उंगलियाँ हाथों की उंगलियाँ काफ़ी पतली हैं तो ये बिछिया है ये सुहाग की निशानी मानी जाती है और ऐसा बोलते हैं कि माता गौरी ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि हर जो विवाहित जो मैरिड लेडीज है उसको ये ज़रूर पहननी चाहिए तो और कोई त्यौहार हो तो उस दिन ज़रूर ये मंगवानी चाहिए तो ये मेरे लिए ये लाए थे और इसके अलावा हर साल की तरह एक ये सिक्का ज़्यादा तो बजट नहीं है लेकिन जितना है ना उतने में खुश रहना चाहिए इंसान को नहीं डिमांडिंग नहीं होना चाहिए सब अगर आप डिमांडिंग होंगे ना तो दूसरा इंसान ये सोचेगा भाई ये तो मेरे से मांग के लेती है तो फिर क्या फ़ायदा तो ये देखिए ये अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं पिछले साल मेरी जो दादी सास थे वो चले गए थे इस वजह से नहीं ला पाए थे पर इस बार फिर से ले आई है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब ये मेरे लिए कुछ चीज़ें लेके आते हैं और अभी तक इन्होंने मुझे क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं कभी ना कभी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी ठीक है तो चलिए और हाँ सबसे बड़ी चीज़ दिखाती हूँ आपको भगवान जी ने क्या गिफ्ट दिया है मुझे मतलब एक संकेत होता है ना
शायद आप लोग भी पूजा करते हो लक्ष्मी माता की, तब उस समय पे वो जो दिया होता है, दो दिए रखते हैं, घी का दिया और दूसरा दिया रखते हैं तेल का, जिसमें काजल बनाते हैं पूरे साल भर के लिए। तो हमने जो काजल बनाई थी ना, उस काजल में देखो क्या बना है, आप खुद देख के बताइएगा। ऐसे समझ नहीं आएगा शायद, मैं शायद वो ऑन करती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ इसकी, ठीक है, तब पता चलेगा, समझ तो आ रहा होगा, लाइट ऑन करती हूँ, संकेत होता है कि। तो देखिए जी, कुछ कुछ आकृति गणेश जी में मिलती है, आप बताइएगा मुझे, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या, ये आकृति किस चीज़ में मिल रही है? मतलब जब हमने काजल बनाई थी ना, तो काजल के अंदर सुबह हमने उठ के देखा तो ये बना हुआ है निकला। ये दूर से देखने में तो पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन ये कुछ कुछ आकृति गणेश जी जैसी है, देखिए। और ये परसों से लगभग ऐसी है, तो थोड़ा बहुत झड़ भी गया है इसमें से, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख देख के। तो काफ़ी अच्छा संकेत है ये कि हमारे घर में गणेश जी हैं, विराजमान हैं। हम तो इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। तो जी आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सबसे ज़रूरी बात, आप लोग जो नहीं करते हैं लाइक करा आपने, कुछ लोग मतलब लाइक नहीं करते, बाकी सब लोग लाइक करते हैं, चाहे लगभग 3-4 हज़ार लोग देखते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 200-250 ऐसे थोड़ी काम चलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, देखते देखते हैं तो पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।